नमस्कार साथियों, झारखंड फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है दोस्तों, झारखंड जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है और झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है और झारखंड उत्पाद सिपाही, ये सब सभी का दोस्तों एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज हम लोग झारखंड का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और झारखंड का इतिहास जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। तो चैनल में जो भी नए लोग होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये जो है दोस्तों झारखंड परीक्षा योद्धा बुक जो है उसका ये चैप्टर 2 है। इससे पहले हम चैप्टर 1 करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में देखिएगा परीक्षा योद्धा के नाम से प्लेलिस्ट में बना हुआ है दोस्तों, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। जो जो लोग नहीं देखे होंगे पहला चैप्टर वो जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, झारखंड में कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें अभी तक पूछा गया सवाल है झारखंड के इतिहास से, वो सवाल हम लोग करेंगे और उसका व्याख्या भी करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है दोस्तों झारखंड का प्राचीन इतिहास। तो झारखंड का नामकरण इसमें हम लोग देखेंगे, इससे जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं वो प्रश्न को हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित किकट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये आपका गिरिडीह में स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों देखिए TGT 2017 और IRB 2017 में एक प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। इसका व्याख्या देख लेते हैं, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा पशुभूमि एवं पुंडरीक देश के नाम से मिलती है। इसी ग्रंथ में इस क्षेत्र को अर्कखंड या फिर कर्कखंड के नाम से संकेतित किया गया है। ये भी प्रश्न देखिए दोस्तों फर्स्ट JPSC PT 2003 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य के अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था? तो किस नाम से संबोधित किया गया था दोस्तों, संबोधित चाणक्य ने अपने प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में, इसका आंसर हो जाएगा कुक्कुट देश। क्या हो जाएगा? कुक्कुट देश। ये भी देखिए दोस्तों SI PT 2017 में पूछा गया है। इसका व्याख्या देखते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो था दोस्तों वो क्या था, कुकुट या फिर कुकुट देश। टॉलमी के द्वारा जो नाम दिया गया था झारखंड को था मुंडल, फैहान के द्वारा जो दिया गया था वो कुकुट लाड, हैंसोंग द्वारा जो दिया गया था दोस्तों किलो नासुफा लाना या फिर कर्ण स्वर्ण, सबसे बड़ा नाम यही था दोस्तों हैंसोंग द्वारा जो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल प्रगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था दोस्तों, तो नीरखंड कहा जाता था, ऑप्शन ये इसका आंसर हो जाएगा नीरखंड। इसके बारे में लोग थोड़ा जान लीजिए, संथाल प्रगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में नीरखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल के दौरान झारखंड को क्या कहा जाता था दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कुकरा कहा जाता था। देखिए PGT 2018 में पूछा गया है, इसका व्याख्या देखिए दोस्तों, मुगल काल में जो है कुकरा या फिर खुखरा कहा जाता था, तुजुकिया जहांगीरी में खोखरा कहा गया था, अकबरनामा में आपका कोकरा कहा गया था और आईने अकबरी में खंकारा, क्या कहा गया था, खंकारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान झारखंड क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल के दौरान झारखंड किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता था दोस्तों, तो ये कुकरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट को देखिए, टॉपिक जो है पुरातात्विक स्रोत, उससे भी प्रश्न पूछा गया दोस्तों। तो देखिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था, तो दालमी एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वर्णरेखा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं, धनबाद जिला बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, यहाँ के दालमी और बुधपुर में अनेक बौद्ध स्मारक आज भी देखे जा सकते हैं। पुरातात्विक स्थल दालमी स्वर्णरेखा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है।
यह स्थान दयापुर दालमी के नाम से भी जाना जाता है। धनबाद जिले में स्थित बुधपुर कंसाई नदी के तट पर स्थित यहाँ एक प्राचीन मंदिर है जो बुधेश्वर मंदिर के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बर्फायु की गहरी भूमिगत गुफा में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है दोस्तों? बर्फायु की गहरी भूमिगत गुफा में पाया गया है, इसका आंसर हो जाएगा इसको गांव। इसको गांव कहाँ पाया गया है? बर्फायु की गहरी भूमिगत गुफा में। इसका व्याख्या देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा गया है SIPT 2017 में। इसको गांव हजारीबाग में बर्फायु की गहरी भूमिगत गुफाएं स्थित है। इसको से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र खुला सूर्य मंदिर एवं शैल चित्र दीर्घा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं, तो कररबाड़ी और बरगुंदा में। कहाँ पाए जाते हैं? कररबाड़ी और बरगुंदा में, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। इसका व्याख्या देखिए दोस्तों, तो झारखंड का इतिहास पाषाण काल से आरंभ होता है। जब से मनुष्य के इस इलाके में रहने के प्रमाण मिलते हैं, झारखंड के कररबाड़ी और बरगुंदा से शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुरा साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में से कौन सा इलाके में स्थित नहीं है? इसका आंसर ईचागढ़ हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। तो झारखंड के राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में प्रमुख स्थान रखने वाला असुरा साइट्स हंसा, कुंजला, खूंटी टोला एवं सारित केल हैं। इनके रख रखाव की जिम्मेवारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास है। रांची, खूंटी, लोहरदगा, हजारीबाग, चाईबासा आदि में अनेक असुर साइट हैं। खूंटी जिले में स्थित कुथार टोली, कुंजला, सारित केल, कठार टोली एवं हंसा को संरक्षित स्मारक घोषित किया जा चुका है। 50 एकड़ के क्षेत्र में फैला सारित केल खूंटी तमाड़ रोड पर तजना नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सबसे पहले 1915 ईस्वी में SC रॉय ने की थी। कुंजला खूंटी के पश्चिम में स्थित है, इसकी खोज भी SC रॉय ने ही की थी। कठार टोली रांची से दक्षिण चाईबासा रोड पर स्थित है। खूंटी टोला कोटरी नदी के तट पर स्थित है, जबकि हंसा रांची के दक्षिण दिशा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से कौन से स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इटखोरी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, भगवान बुद्ध का झारखंड से सीधा संपर्क था या नहीं कहना कठिन है, लेकिन अपने 45 वर्षों के परिभ्रमण काल में वे संभवतः झारखंड भी आए थे, जिसके कारण इस क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। झारखंड में अनेक स्थानों पर बौद्ध धर्म से जुड़े अवशेष बिखरे पड़े हैं, जिनमें चतरा जिले का इटखोरी प्रमुख है। इटखोरी अब बौद्ध साइट बनने जा रहा है। यहाँ 3 बौद्ध स्तूप सहित अनेक बौद्ध अवशेष मिले हैं। आने वाला समय में यह गया के बाद सबसे बड़ा बौद्ध केंद्र बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन शहीद पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है? कहाँ पे स्थित है दोस्तों? इसका आंसर नहीं दिया गया है, स्टार बना दिया गया है, तो चलिए इसका व्याख्या से हम लोग समझते हैं। तो चंदन शहीद पहाड़ी बिहार के सासाराम में स्थित है। इस पहाड़ी पर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया सम्राट अशोक का शिलालेख है। इस शिलालेख को लगभग 2300 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक ने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के दौरान लिखवाया था। तो ये जो है दोस्तों, वो बिहार झारखंड में नहीं है, वो बिहार के सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित साइटों में से कौन सा झारखंड के एक ताम्रपाषाण साइट से संबंधित नहीं है? इसका आंसर कुनार हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बारादरी
बारादारी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से किस में स्थित है? तो ये जो है दोस्तों वो अर्जी मुकीमपुर संथाल परगना में, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहभूम में खुदाई के दौरान निम्न में से कौन सा पाया गया है? क्या पाया गया था दोस्तों सिंहभूम में खुदाई के दौरान? तो रोमन के सिक्के मिले थे, रोमन सिक्के मिले थे, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। ताकि रोमन साम्राज्य के सिक्के सिंहभूम से पाए गए हैं, जबकि इंडो सिथियन सिक्के चाईबासा से मिले हैं। ये भी प्रश्न आते हैं कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के जिले से प्राप्त हुए, तो कौन से जिले से प्राप्त हुए दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रांची। तो कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के रांची से प्राप्त हुए हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि कनिष्क का प्रभाव झारखंड पर था। नेक्स्ट है, इस्को गुफाएं स्थित है, तो इस्को गुफाएं कहाँ है दोस्तों? तो ये है हजारीबाग में, अभी हम लोग पढ़े थे इसके बारे में। हजारीबाग जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर बड़का गांव में इस्को गुफा स्थित है। यह गुफा 5000 साल से अधिक पुराना है। इस गुफा का उपयोग बादाम के राजा किया करते थे। इस गुफा के चट्टानों पर कोहबर कला, जिसे रॉक पेंटिंग कहा जाता है, उकेरे हुए हैं। इसको से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं। यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति भी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो झारखंड की इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है दोस्तों? तो मैसोलिथिक युग से माना जाता है। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। झारखंड के इतिहास की शुरुआत मैसोलिथिक मध्य पाषाण काल युग से मानी जाती है। मध्य पाषाण काल का कालचक्र 10000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से मिले हैं। नेक्स्ट इसी में जो है दोस्तों टॉपिक प्राचीन राजवंश, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं इससे दोस्तों, कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है चलिए देखते हैं। वर्ष 1620 में तृतीय महाराजा जगन्नाथ सिंह कुमार विक्रम सिंह वन ने किस राज्य की स्थापना की? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सरायकेला, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, सरायकेला। देखिए SIPT 2017 में पूछा गया प्रश्न है। सब व्याख्या देखिए, सरायकेला राज्य रियासत की स्थापना 1620 ईस्वी में सिंह वंशी अर्जुन सिंह के पुत्र कुंवर विक्रम सिंह प्रथम द्वारा तथा खरसावां रियासत की स्थापना 1650 ईस्वी में कुंवर पद्म सिंह द्वारा की गई। प्रारंभ में कुंवर विक्रम सिंह प्रथम को संजय और खरकई नदी के बीच में 76 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र सौंपा गया था, जिसके अंतर्गत सिर्फ 12 गांव थे। बाद में इन्होंने आसपास के क्षेत्रों को जीतकर 700 वर्ग किलोमीटर की सरायकेला रियासत की स्थापना की। देश की आज़ादी के पश्चात दोनों ही रियासतों का विलय बिहार राज्य में किया गया। इसके पश्चात सरायकेला को अनुमंडल का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? तो आखिरी शासक जो था दोस्तों HH राजा आदित्य प्रताप सिंह देव थे, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। सरायकेला रियासत का अंतिम शासक HH राजा आदित्य प्रताप सिंह देव थे। इन्होंने 18 मई 1948 को भारत के विलय समझौता प्राप्त पत्र में हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है, प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? तो प्रथम नागवंशी राजा जो थे दोस्तों वो फणी मुकुट राय थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो नागवंशी राजवंश के संस्थापक फणी मुकुट राय प्रथम नागवंशी राजा थे। इन्हें नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने 64 ईस्वी प्रथम सदी में नागवंशी राज्य की स्थापना की तथा सुत्याम्बे को राजधानी बनाया गया। ये क्वेश्चन दोस्तों CDPO में भी पूछा गया था। सुत्याम्बे में इन्होंने एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया। इन्होंने अपने शासनकाल में बाहरी लोगों को झारखंड क्षेत्र में आने के लिए आमंत्रित किया तथा बनारस से आए भवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान नियुक्त किया। इस प्रकार झारखंड की संस्कृति में पहली बार गैर आदिवासी समाज सदान मूलवासी का विस्तारीकरण हुआ। नेक्स्ट है, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? तो दोएसा में करवाया था, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर।
इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। नागवंशी राजा दुर्जन साल ने नवरत्नगढ़ किले का निर्माण दोहसागढ़ में कराया था। यह गुमला जिले में स्थित है। यह नागवंशी राजा दुर्जन साल की राजधानी थी। इनके द्वारा पंचमंजिला भवन का निर्माण करवाया गया था, जिसके प्रत्येक तले में नौ नौ कमरे थे। नवरत्नगढ़ का निर्माण सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था, क्योंकि नागवंशी राजाओं पर लगातार बाहरी आक्रमण होते रहे थे, जिसके कारण उनकी राजधानी खुखरा असुरक्षित हो गई थी। नेक्स्ट है, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोहसा स्थानांतरित हुआ। तो दोहसा में युद्ध में पराजित हुए थे, इसलिए क्या हुआ था, स्थानांतरित हुआ था। नेक्स्ट है, उस शासक का नाम बताएं जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुत्याम्बे से चुटिया स्थानांतरित की। तो प्रताप राय ने की थी, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। देखिए दोस्तों, 7th से 10th जेपीएससी पीटी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। व्याख्या देखिए, अच्छा एक बार देख लीजिए, राजा और उसका राजधानी था, तो फणी मुकुट राय जब थे राजा तो उसकी राजधानी था चुतियाम्बे, प्रताप राय चुटिया, भीमकर्ण खुखरा, दुर्जन साल का राजधानी था दोहसा, एनी शाह सतरंजी, यदुनाथ शाह पालकोट, जगन्नाथ सहदेव पालकोट भोरो, उदयनाथ सहदेव रातुगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा। तो किसने करता रहा दोस्तों, तो मुकुंद सिंह, ऑप्शन डी हो जाएगा, मुकुंद सिंह। 18वीं सदी में मुकुंद सिंह रामगढ़ के राजा थे। उन्होंने 1763 से 72 ईस्वी तक रामगढ़ पर शासन किया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जीवन पर्यंत विरोध किया। इसके लिए उन्होंने मराठों के साथ गठबंधन भी किया था। अंग्रेज अधिकारी कैमक के नेतृत्व में हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ तथा 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर चढ़ाई की गई, जिसके कारण मुकुंद सिंह भागकर पलामू चले गए थे। मुकुंद सिंह के स्थान पर अंग्रेज समर्थक तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित किया गया। 1773 ईस्वी में रामगढ़ पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया। नेक्स्ट है, रामगढ़ के राजा मूल राजधानी कहाँ थी। तो रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी जो थी दोस्तों, वो रामगढ़ ही था, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। ये भी दोस्तों 2007 में पूछा गया जेपीएससी में, रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी रामगढ़ थी। तो देखिए दोस्तों, तो सिसिया उर्दा, इसका जो राजधानी संस्थापक है, राजधानी ये राजधानी है, इसका संस्थापक बागदेव सिंह है, बादम का हेमंत सिंह है और रामगढ़ का दलेल सिंह है, और इचाक का जो संस्थापक है वो तेज सिंह है, पदमा का ब्रह्मदेव नारायण है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित किवाना नाम से जाना जाता था। तो देवघर को जाना जाता था, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी देखिए दोस्तों, SIPT 2017 में पूछा गया प्रश्न है। देवघर एक हिंदी शब्द है और देवघर का शाब्दिक अर्थ भगवानों और देवी देव का निवास है। देवघर को वैद्यनाथ धाम, बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। देवघर को संस्कृत ग्रंथों में हरित किवाना केत किवन के रूप में जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मनोकामना लिंग यहीं स्थित है। देवघर स्थित वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण 1596 ईस्वी में गिद्धौर के राजा पूरनमल द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किसे राजा कटंग देव द्वारा शासित कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। तो सिमडेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। सिमडेगा पूर्व में कैसलपुर बिरुगढ़ परगना का राज्य साम्राज्य था, जिस पर ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान भी सदियों तक गजपति साम्राज्य के गजपति शाही परिवार के राजा गंगा वामसी का शासन था। गजपति शाही परिवार वर्तमान में भी सिमडेगा से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बीरू या बीरूगढ़ में रहता है। पठार का यह क्षेत्र आदिवासी और ओडिया समुदायों द्वारा बसा हुआ है। यह क्षेत्र हमेशा मिशनरियों के लिए लोकप्रिय रहा है, जिन्होंने तत्कालीन गजपति राजाओं और उसके अधीनस्थों द्वारा दान की गई भूमि पर स्कूल, कॉन्वेंट, अस्पताल और पेरिश स्थापित किए थे। ईसाई मिशनरियों, विशेष रूप से सोसाइटी ऑफ जीसस ने इस क्षेत्र में कई ईसाई स्कूलों की
स्थापना करके शिक्षा के प्रसार में मदद की। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों, जैन धर्म है, इससे भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो जैनियों के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने किस जिले में शिखरजी पर मोक्ष प्राप्त किया? इसका आंसर गिरिडीह हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। व्याख्या इसका देख लीजिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने गिरिडीह जिले में शिखरजी समेत पर्वत पारसनाथ पर मोक्ष प्राप्त किया। संभवतः इन्हीं के नाम पर पारसनाथ का नामांकन हुआ है। पार्श्वनाथ एकमात्र तीर्थकर थे जिन्होंने इस कलयुग में कलिकालक पत्रु कल्प वृक्ष की उपाधि प्राप्त की है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरेय अदगा की यात्रा का संदर्भ है मुंडारी में, जिसका अर्थ है? इसका अर्थ है दोस्तों आंसुओं की नदी, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। इसका व्याख्या देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जैन ग्रंथों में लोरेय अदगा की यात्रा का वर्णन है, जिसकी मुंडारी में अर्थ है आंसुओं की नदी होता है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के किस तीर्थकर ने पारसनाथ में महासमाधि ली थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 20वें और 23वें, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। इसका ऑप्शन ये व्याख्या देखिए दोस्तों, मान्यता के अनुसार जैन धर्म के 20वें और 23वें तीर्थकर कर्मशः मुनि सुव्रत एवं पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने पारसनाथ में मोक्ष प्राप्ति महासमाधि की थी। नेक्स्ट टॉपिक देखिए दोस्तों, झारखंड का मध्यकालीन इतिहास। ये टॉपिक बाय टॉपिक इसमें दिया गया है, जो प्रश्न अभी तक पूछा गया है सभी एग्जामों में, झारखंड में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं अभी सभी एग्जामों में पूछा गया है। तो 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था, तो कहाँ किया गया दोस्तों? राजमहल, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। इसका व्याख्या देखिए दोस्तों, राजमहल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र के साहेबगंज जिले में स्थित है। यह ऐतिहासिक शहर गंगा के किनारे राजमहल पर्वत श्रृंखला की गोद में स्थित है, जिसके कारण इसे दामिनी कोह भी संज्ञा दी गई है। गंगा नदी के किनारे होने के कारण जहाँ की भी संज्ञा दी गई है, गंगा नदी के किनारे होने के कारण जहाँ यह व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से मुफीद था, वहीं 660 से 980 फीट की औसत ऊंचाई वाली उत्तर से दक्षिण की ओर 26,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली राजमहल पर्वतमाला अपनी दुर्भेदता के कारण इस विशेष सुरक्षा प्रदान करती थी। इसकी बुनियाद बंगाल के सूबेदार राजा मान सिंह ने रखी थी। उस समय इसका नाम अकबर नगर पड़ा। इसे बंगाल की राजधानी बनाया गया था। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला राजमहल पर कब्जा कर लिया था, तथा इसकी गिरफ्तारी भी यहीं से हुई थी। नेक्स्ट है, इस्लाम खान ने राजमहल से अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ढाका, ऑप्शन डी हो जाएगा। तब मुगल सेनापति इस्लाम खान बंगाल के सूबेदार थे। उसने 1610 ईस्वी में बंगाल की राजधानी को राजमहल से ढाका स्थानांतरित कर दिया और इसका नाम जहांगीर नगर रखा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुल्तान सुजा की राजधानी थी? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों राजमहल हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। इसका व्याख्या देख लेते हैं, 1639 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहाँ का पुत्र शाह सुजा द्वारा राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया गया। यह 1660 तक मुगल वायसराय की सीट और 1661 तक एक टकसाल शहर के रूप में जारी रहा। नेक्स्ट है, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था, जो कि कहाँ के शासक थे? तो कहाँ के शासक थे दोस्तों? तो ये चास के शासक थे, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। दुर्जन साल सम्राट द्वारा हीरे की अपनी विशेषज्ञता के कारण झारखंड के किस शासक द्वारा जेल से रिहा किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, जहांगीर। जहांगीर की आत्मकथा तुजुकिया जहांगीरी में छोटा नागपुर क्षेत्र से सोने की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। इस आत्मकथा में छोटा नागपुर के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से
हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन है। हीरों के कारण जहांगीर इस क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता था। जहांगीर के समय कोकरह झारखंड का शासक दुर्जनशाल था, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने तथा मालगुजारी देने से मना कर दिया था। 1615 ईस्वी में जहांगीर ने इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था तथा उसे कोकरह पर अधिकार करने का आदेश दिया। इब्राहिम खां ने कोकरह पर विजय प्राप्त कर हीरों के लिए प्रसिद्ध शंख नदी को अपने कब्जे में ले लिया तथा दुर्जनशाल को गिरफ्तार कर 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा गया। 1627 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में एक हीरे की असलियत को लेकर विवाद हो गया। असली हीरों की पहचान करने हेतु दुर्जनशाल को शाही दरबार में बुलाया गया। दुर्जनशाल द्वारा असली हीरों की पहचान कर लेने के पश्चात जहांगीर ने खुश होकर उसे शाह की उपाधि प्रदान करते हुए उसे मुक्त कर दिया तथा उसका राज्य वापस कर दिया। इसके बदले दुर्जनशाल ने मुगल शासक जहांगीर को 6000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1616 में कर नहीं देने के कारण किस महाराज को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर दिया था? तो अभी हम लोग ऊपर में पढ़े थे, इसका आंसर दुर्जनशाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी शासक राजा दुर्जनशाल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया तथा वार्षिक कर की राशि थी? तो अभी हम लोग देखे थे ऊपर में दोस्तों 6000 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा जय सिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, जो निम्न में से राज्य के थे? तो कौन से राज्य के थे दोस्तों? तो उड़ीसा के थे, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। तो उड़ीसा के राजा जय सिंह देव ने 13वीं शताब्दी में खुद को झारखंड का शासक घोषित कर अपना शासन लागू कर दिया था। छोटा नागपुर संथाल परगना से लेकर उड़ीसा मध्य प्रदेश तक फैला जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग संभवतः मध्यकाल से ही शुरू हुआ। उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्रियों में 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में इस क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग मिलता है। उड़ीसा के राजा जय सिंह देव को खाली स्थान में अपने लोगों द्वारा झारखंड के शासक के रूप में स्वीकार किया गया था। तो 13वीं शताब्दी में क्या हो जाएगा? राजा जय सिंह देव को 13वीं शताब्दी में अपने लोगों द्वारा झारखंड के शासक के रूप में स्वीकार किया गया था। किंवदंती के अनुसार सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह देव ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था। तो कौन सी सदी में दोस्तों? तो 13वीं सदी में। हाँ, हो जाएगा 13वीं सदी। नेक्स्ट है, बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर किस वर्ष आक्रमण और संधि की? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1641 से 42, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। तब मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बिहार का सूबेदार नियुक्त किए जाने के पश्चात शाइस्ता खान ने 1641 ईस्वी में पलामू के चेरो राज्य पर आक्रमण किया। शाइस्ता खां के आक्रमण के समय पलामू का राजा प्रताप राय थे। प्रताप राय ने इस आक्रमण के बाद शाइस्ता खां से संधि करते हुए 80,000 रुपये देने व पटना में हाजिरी लगाना स्वीकार किया। 1642 ईस्वी में प्रताप राय से 80,000 रुपये प्राप्त कर शाइस्ता खां पटना पटना लौट गया। बाद में प्रताप राय ने मुगल शासक को वार्षिक मालगुजारी देना बंद कर दिया और 1663 ईस्वी में शाहजहां ने इतिकाद खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा पलामू के शासक के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह मधु सिंह पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगलों का अधीनस्थ बनाया? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शहबाज खां कंबू। तब बिहार, इसका व्याख्या देखिए दोस्तों, बिहार व बंगाल विजय के बाद अकबर ने 1785 ईस्वी में शहबाज खां को छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकरण शाह मधु सिंह को पराजय हुई तथा मधुकरण शाह ने वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया और 1590 से 92 में अकबर के सेनापति मान सिंह के उड़ीसा अभियान के दौरान मधुकरण शाह ने सहायता की थी। झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र को मुगलों के साथ संपर्क अकबर के समय
में ही हुआ। इसके समय पेराहाट के शिववंशी राजा लक्ष्मी नारायण सिंह, नरपत सिंह प्रथम और कामेश्वर सिंह और रंजीत सिंह थे। नेक्स्ट है दोस्तों, जो टॉपिक है देखिए, झारखंड का आधुनिक इतिहास। इससे जो भी प्रश्न अभी तक झारखंड के एग्जाम में पूछा गया है वो सारे प्रश्न यहाँ पे हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला है, ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः कितने दशकों का समय लगा? तो कितने लगा दोस्तों, तो 8 दशकों का समय लगा। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। तो है व्याख्या देखिए, झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश सिंहभूम के रास्ते 1767 में हुआ। अंग्रेज़ों के झारखंड में पहली बार प्रवेश के समय झारखंड के धालभूम के क्षेत्र में ढाल शासक, पोरहाट क्षेत्र में सिंह शासक तथा कोल्हान क्षेत्र में हो शासकों का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः 8 दशकों का समय लगा। नेक्स्ट देखिए है, जनजातीय विद्रोह से प्रश्न जो पूछा गया है। पहला है, झारखंड के महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन और उनके साथ जुड़े प्रमुख हस्तियां नीचे दिए गए हैं, गलत मिलान का पता लगाएं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी बोला जा रहा है, विष्णु मानकी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ। संथाल विद्रोह दोस्तों ये विष्णु मानकी के नेतृत्व में नहीं हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था तो इसका देखते हैं हम लोग व्याख्या। तो विष्णु मानकी के नेतृत्व में 1789 ईस्वी में तमाड़ का विद्रोह हुआ था। देखिए, एक साइड विद्रोह है, उसका स्थान है और नेतृत्व करता है। तो भूमिज विद्रोह जो है वो कहाँ पे हुआ था, वीरभूम में। इसका जो नेतृत्व करता है दोस्तों कौन था, गंगा नारायण। उसके बाद चेरो विद्रोह जो है वो पलामू में हुआ था, भूखन सिंह इसका नेतृत्व करता था। खरवार विद्रोह संथाल परगना में हुआ था, भागीरथ मांझी था इसका। संथाल विद्रोह संथाल परगना में, सिद्धो कान्हू। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अंग्रेजों के दमनकारी शासन के विरुद्ध लड़ा, कौन लड़ा दोस्तों, तो बिरसा मुंडा, सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, ये सब थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका व्याख्या देखिए, बिरसा मुंडा, सिद्धू मुर्मू तथा कान्हू मुर्मू ने अंग्रेजों के दमनकारी शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 से 1900 तक चली, जबकि सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ। नेक्स्ट है, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा क्लीवलैंड के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए व्याख्या इसका देखिए दोस्तों, क्लीवलैंड द्वारा आदिवासियों के विकास के लिए हिल असेंबली प्लान की स्थापना की गई थी। उन्होंने पहाड़ियों की पूरी श्रृंखला को पहाड़ी विधानसभा के एक समान प्रशासन के तहत वंशानुगत पहाड़ी प्रमुखों के अधीन रखा, जिन्हें सरदार कहा जाता है। सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होती है और उनके पास व्यापक शक्तियाँ थी, जिनमें मृत्यु दंड देना या उसे रद्द करना शामिल था। सरदारों को अपने नियंत्रण वाले गांवों में सभी अपराधों पर कानून व्यवस्था की समस्याओं की सूचना अधिकारियों को देने का काम सौंपा गया था। नेक्स्ट है, दामिने कोह की घोषणा कब हुई, तो दामिने कोह की घोषणा जो है दोस्तों 1824 ईस्वी में हुई। दामिने कोह भागलपुर से राजमहल तक एक वन क्षेत्र था। ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिने कोह का निर्माण 1824 ईस्वी में संथाल समुदाय को बसाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत, यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों कौन सा मिलान गलत है। तो 1822-23 मानभूम का भूमिज विद्रोह, ये जो है आपका ये गलत है। ये जो है दोस्तों भूमिज विद्रोह जो हुआ था वो आपका 1769 में हुआ था, ना कि 1822-23 में। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। सत्रह सौ उनहत्तर में धालभूम और बड़ा भूम में सर्वप्रथम भूमिज विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसे चुआड़ विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय इतिहास का पहला विद्रोह था। 1771 से 1778, 1784, 1787, 1792 से 93, 1798, 99, 1805, 1816 और 1820 में भी भूमिजों का बड़ा विद्रोह हुआ। भूमिज विद्रोह 1831 ईस्वी तक छींट फूट रूप से चलता रहा, लेकिन 1832 ईस्वी में गंगा नारायण के नेतृत्व में सभी भूमिज राजा, जमींदार, सरदार, घटवाल, पाइक, किसान संगठित रूप से विद्रोह किया। गंगा नारायण सिंह ब्रिटिश शासन और उसके शोषण नीति के खिलाफ लड़ने वाले पहले नेता थे, जिन्होंने सबसे पहले सरदार गोरिल्ला वाहिनी सेना का गठन किया था, जिसे हर जाति का समर्थन प्राप्त था। इस सेना का सेनापति जिरपलाया थे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विद्रोह 1875 में झारखंड में फूटा था,
कौन सा विद्रोह था दोस्तों? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो देखिए, संथाल विद्रोह जो था वो 1855-56 में हुआ था, बिरसा विद्रोह जो था 1895 और 1900 में, तिलका मांझी विद्रोह जो था 1784 से 1785 में हुआ था। नेक्स्ट है, जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दमन किए लोगों का शोषण। इसका व्याख्या देखिए, जनजातियों के सभी आंदोलन शोषण एवं दमन के खिलाफ थे। जनजातियों के आंदोलनों के मूल में विभिन्न समस्याएं रही है जो सामाजिक संरचना से सरोकर रखती है। अधिकतर आंदोलन अंग्रेजों द्वारा जनजातीय लोगों के अधिकारों के हनन का विरोध करना था। जनजातीय आंदोलन ब्रिटिश हुकूमत की उन जायदादियों के खिलाफ खड़े हुए जिन्होंने उनका जीना मुश्किल कर दिया था। जंगल और ज़मीनों से उनके अधिकार छीन लिए गए थे, उन पर टैक्स बढ़ा दिए गए थे तथा उन्हें अपनी ज़मीनों से हटाकर दूसरी जगह बसाने का प्रयास किया गया, उन्हें सताया गया तथा जनजातीय क्षेत्रों का मालिकाना हक ऐसे लोगों को दे दिया गया जो उनके बीच के नहीं थे। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति कब हुई थी? तो छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति ये 1858 से 1859 में हुई थी। नेक्स्ट है देखिए, धाल विद्रोह। तो धाल विद्रोह जो है दोस्तों, उससे भी प्रश्न पूछा गया था और पूछा जाता है। देखिए, झारखंड में धाल विद्रोह कब हुआ था? धाल विद्रोह जो है दोस्तों, वो 1767 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1767 ईस्वी में। देखिए, झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश सर्वप्रथम सिंहभूम की ओर से हुआ। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का प्रथम बिगुल इसी क्षेत्र से बजा। 1767 ईस्वी में धालभूम के अपदस्थ राजा जगन्नाथ धाल के नेतृत्व में एक व्यापक विद्रोह हुआ, जिसे धाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह 10 वर्षों 1767-77 तक चला। 1777 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी द्वारा जगन्नाथ ढाल को पुनः धालभूम का राजा स्वीकार करने के पश्चात यह विद्रोह शांत हुआ। राजा बनने के पश्चात जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजी कंपनी को 3 वर्षों में क्रमशः 2000 रुपये, 3000 रुपये तथा 4000 रुपये वार्षिक कर के रूप में देना स्वीकार किया। 1800 ईस्वी में इस राशि को बढ़ाकर 4267 रुपये कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए, चुवाड़ विद्रोह से प्रश्न पूछा जाता है। तो झारखंड का पहला चुवाड़ विद्रोह कब हुआ था? तो ये जो हुआ था दोस्तों, 1769 ईस्वी में हुआ था। और चुवाड़ विद्रोह अकाल लगान में वृद्धि, जमीन की नीलामी एवं अन्य आर्थिक मुद्दों को लेकर किया गया। चुवाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता रघुनाथ महतो, श्याम गंजम, सुबल सिंह, जगन्नाथ पात्र, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह आदि थे। यह विद्रोह रघुनाथ महतो के नेतृत्व में 1769 ईस्वी में हुआ था, जिसमें रघुनाथ महतो द्वारा अपना गाँव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा दिया गया था।